और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस अब देशभक्ति के रंग में भी दिख रही है। एक और सूबे का चुनाव जहां सनातन और हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, वहीं संस्कारधानी जबलपुर में नगर सरकार देशभक्ति के रंग में दिख रही है। मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज और प्रदेश के एकमात्र भारत माता के विशाल मंदिर की आधारशिला कांग्रेस की नगर सरकार ने रखी। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और पूर्व मंत्री तरुण भनोत के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मां नर्मदा के किनारे जहां 75 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का भूमि पूजन किया, तो वहीं शहर के मध्य सिविक सेंटर में प्रदेश की भव्य भारत माता मंदिर की नींव भी रखी। पावन तट पर पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्मारक में बना की याद में बना गांधी स्मारक, सामने त्रिपुरी की आजादी की लड़ाई का स्मारक, और वहां पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा, ये हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। और जो भावनाएं अंदर है हिलोरे ले रही हैं, उनका मैं बयान नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर नगर निगम के महापौर महोदय ने जो ये हम सब की बात को सुना और तुरंत रिकॉर्ड टाइम में इसकी स्वीकृति दी, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई, सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद टेंडर भी हो गया, और आज ये तिरंगा जब यहाँ लहराएगा तो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी एहसास होगा कि किस प्रकार से हमारे दीवानों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मातृभूमि के लिए जान लुटाई थी, और निश्चित तौर पर वो भारत माता की सच्चे सपूत बनने की राह पर और आगे बढ़ेंगे। शहर के लिए ऐतिहासिक दिन, मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए आज सौभाग्यशाली दिन। हमारे शहर के नागरिकों ने जिस काम के लिए हम लोगों को चुना था, निरंतर हम लोग उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। आज सबसे ऐतिहासिक इसलिए कि आज जबलपुर शहर में दो प्रमुख भूमि पूजन हुए, एक भारत माता का मंदिर 20 फीट ऊंची प्रतिमा के साथ घोड़े के अपने शेर के रथ पे सवार हमारी भारत माता मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन आज किया गया। दूसरा राष्ट्र ध्वज मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा और देश का तीसरे चौथे नंबर का राष्ट्र ध्वज आज जबलपुर शहर में उसका भूमि पूजन किया गया मां नर्मदा के तट पर। यह राष्ट्र ध्वज गांधी स्मारक में लगाया जा रहा है। सिविक सेंटर में शहर के मध्य में भारत माता उद्यान में भारत माता मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ। 3 माह में दोनों कार्य पूर्ण हो जाएंगे।